व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं हूं शमशेर अली और आप मुझे देख रहे हैं वीवो केमिस्ट्री चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टेम्परेचर स्केल के कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने टेम्परेचर, फिर टेम्परेचर स्केल और फिर बहुत सारे फैक्ट के बारे में हमने बात किया था। इस वीडियो में हम लोग जेन्युइनली टेम्परेचर स्केल के कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। देखिएगा, हमने हेडिंग लिखा है टेम्परेचर कन्वर्जन। मतलब टेम्परेचर कन्वर्जन का मतलब होता है कि एक स्केल से दूसरे स्केल में किसी भी एक डिजिट का, जैसे ये 5 डिग्री सेल्सियस है, तो अब पूछेगा कि बताइए कि डिग्री फारेनहाइट में इसका वैल्यू क्या होगा। उसी तरीके से अगर कह दे कि ये 50 डिग्री फारेनहाइट है, केल्विन में इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले पिछली वाली वीडियो की कुछ बातें हम रिपीट कर देते हैं ताकि आपको थोड़ी सी बातें रिकॉल हो जाए और याद हो जाए। पिछली वीडियो में हमने टेम्परेचर का डिफिनेशन बोला था कि किसी पदार्थ में मौजूद हॉटनेस या कूलनेस को टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर का SI यूनिट केल्विन होता है और ये एक अच्छा टेम्परेचर स्केल माना जाता है, क्योंकि इससे कभी भी नेगेटिव वैल्यू, मतलब टेम्परेचर नेगेटिव साइन में चेक नहीं किया जाता है। ये नेगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं बताता है, इसलिए इसको सबसे बेहतर टेम्परेचर स्केल माना जाता है। हमने डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट के बारे में भी बात किया था। फिर बहुत सारे रिलेशन के बारे में बात किया था कि केल्विन और डिग्री फारेनहाइट में रिलेशन क्या है। फिर उससे हमने फॉर्मूला भी जेनरेट किया था, डिग्री सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन क्या है, और उनका हमने फॉर्मूला भी जेनरेट किया था। तो ये बातें थी पिछली वीडियो की। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले जो फॉर्मूला हमने जेनरेट किया था उसको सबसे पहले लिखते हैं ताकि कन्वर्जन में आपको मुश्किल ना हो। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले जब हम कन्वर्जन में कन्वर्जन की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। ये आपका फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला क्या होगा, पहला डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273.15। केल्विन में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। बहुत सारे बुक में आपको ये देखने को मिलेगा कि ये 15 दशमलव के बाद की जो संख्या है 15, ये 15 वैल्यू नहीं देखने को मिलता है। तो इससे क्या होता है कि भाई कैलकुलेशन करने में थोड़ी आसानी होती है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट वाला जो घटाव और गुणा होता है वो सब के सब क्या होते हैं, थोड़ा पेचीदा हो जाते हैं, लेंदी हो जाते हैं। अब देखिए, आपने डिग्री सेल्सियस 5/9 इंटू डिग्री फारेनहाइट और फिर -32। वहीं अगर डिग्री फारेनहाइट की बात करें तो क्या लिखेंगे, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस और फिर +32। तो ये टेम्परेचर स्केल के फॉर्मूले हैं। तो चलिए हम एक एक करके ये देखते हैं कि कोई डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दिया है तो आखिर केल्विन में उसको कैसे चेंज करेंगे, फिर डिग्री सेल्सियस को डिग्री फारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे। अगर यहीं अगर आपको डिग्री फारेनहाइट दिया हो और फिर आपको केल्विन में चेंज करना है तो 9/5 और डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला क्या होता है, केल्विन माइनस 273.15 +32, ये रख लेंगे, काफी आसानी से निकलेगा। तो इसको फॉर्मूला को हम इधर साइड में रखते हैं, क्वेश्चन इधर डील करते हैं। पहला क्वेश्चन के तौर पर अगर ये समझें कि केल्विन को किसमें चेंज करना है, डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। क्लियर, अब जरा समझो। पहला यूनिट अगर कह दे 273.15 केल्विन, किसमें चेंज करना है, डिग्री सेल्सियस में। क्लियर, दूसरा क्वेश्चन आपका अगर कह दे 573.15 केल्विन, तीसरा कह दे 310.15 केल्विन, और यही अगर चौथा क्वेश्चन कह दे 298.15
केल्विन। क्लियर? तो हम लोग पहले क्वेश्चन को डील करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन 273.15 केल्विन डिग्री सेल्सियस में कितना वैल्यू आएगा? तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273.15, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो केल्विन का वैल्यू कितना दिया है? 273.15 माइनस 273.15 वैल्यू कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? और ये 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ H2O, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, या इसी को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस कहते हैं। क्लियर? अब जरा समझिए दूसरा क्वेश्चन, इधर दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 573.15 केल्विन डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, तो क्या करेंगे? बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, धीरे धीरे देखते जाइए। 573 मतलब केल्विन माइनस 273.15, तो 573.15 ये केल्विन का वैल्यू माइनस 273.15 वैल्यू कितना होगा? 500 में से 200 घटेगा तो 300 केल्विन टेम्परेचर का वैल्यू, सॉरी 300 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है आपका 310.15 केल्विन डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। अब डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, फॉर्मूला तो याद ही हो गया होगा, केल्विन माइनस 273.15, तो क्या करेंगे? 310.15 माइनस 273.15, 310 है और इधर कितना है? 273 है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा जरा चेक करिए। इधर से अगर घटाते हैं तो ये 0.00 हो गया, फिर ये 7 और टोटल ये कितना हो जाएगा? 3। क्लियर? यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होती है, यानी मानव शरीर का तापमान होता है, ये वैल्यू आ गया। मतलब अगर हम केल्विन में पूछें कि मानव शरीर का तापमान केल्विन में कितना होगा, तो हम लोग क्या बताएंगे? 310.15। क्लियर? केल्विन। अब चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है आपका 298.15 केल्विन। क्लियर हुआ? अब देखिए डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, फिर क्या कहेंगे? 298.15 केल्विन माइनस 273.15 केल्विन घटाएंगे, आएगा कितना? 25 डिग्री सेल्सियस। ये बाबू आ गया आपका आरटी मतलब रूम टेम्परेचर। क्लियर? अब पूछेगा कोई कि भाई बताइए 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने पर कितना होगा, तो कहिएगा 298.15 केल्विन। केल्विन में आरटी मतलब रूम टेम्परेचर पूछे तो कहिएगा 298.15। कितना आसान है। आगे बढ़ते हैं और पांचवा क्वेश्चन चेक करते हैं। पांचवा क्वेश्चन तो है ही नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन आप अपने तरफ से यहां ऐड करिएगा और फिर इनको बना डालिएगा। क्लियर हुआ? अब देखिए अगर मान के चलिए एक क्वेश्चन हम अपने तरफ से ऐड कर रहे हैं, लेकिन आप अपने तरफ से एक ऐड जरूर करिएगा। क्वेश्चन है कि माइनस 273 केल्विन, ये हम क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं, माइनस 273 केल्विन, तो क्या ये जो हमने लिखा है ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि केल्विन स्केल पर नेगेटिव वैल्यू होता ही नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर कहीं आपसे पूछा जाए तो कहिएगा कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन फिजूल हैं पूछना, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू टेम्परेचर स्केल जो केल्विन स्केल होता है उस पर होता ही नहीं है। अब आप बात समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन लिखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका 0.15 केल्विन डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, तो कहेंगे 0.15 केल्विन माइनस
273.15 केल्विन। क्लियर। अब क्या करेंगे, घटाएंगे तो ये टोटल कितना होगा, -273 केल्विन। क्लियर हुआ, -273 केल्विन। या आप ऐसे इतना अगर रख रहे हैं तो अप्रोक्स वैल्यू ये एब्सोल्यूट जीरो होता है, एब्सोल्यूट जीरो जिसको हम लोग हिंदी में एब्सोल्यूट जीरो जिसको हम लोग हिंदी में परम ताप कहते हैं। इस ये दुनिया का सबसे ठंडा टेम्परेचर है और इसके बाद टेम्परेचर मापना पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर हुआ। अब देखिए, अगर इसी को हम लोग यूं समझें कि क्या इसको हम लोग अप्रॉक्स जीरो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 0 -273.15, तो अब यहां 15 रखें तो भी ठीक, ना रखें तो भी ठीक, तो -273.15 क्या है, ये डिग्री सेल्सियस, कितना डिग्री सेल्सियस है और ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाता है। 273 दे तो भी ठीक, 273.15 दे तो भी ठीक। नोट लिखिएगा अपनी कॉपी में कि 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस को एब्सोल्यूट जीरो यानी परम ताप कहा जाता है। इसके बाद टेम्परेचर माप पाना, मेजर कर पाना इस दुनिया में पॉसिबल नहीं है। क्लियर हुई बात। चलिए इसको आप लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग डिग्री सेल्सियस को डिग्री फारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे। हमने यहां डिग्री सेल्सियस में वैल्यू लिखा है, इसको हम लोग डिग्री फारेनहाइट में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे जरा देखिएगा। सबसे पहले इनको अलग रख देते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है -40 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। अब आपको क्या करना है, फारेनहाइट में चेंज करना है। तो डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू, आप ऐसे भी लिख सकते हो, टेम्परेचर इज इक्वल टू -40 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। अब जरा देखिए, आपको चेंज करना है डिग्री फारेनहाइट में। तो डिग्री फारेनहाइट का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस और फिर +32। क्लियर है। अब देखिए वैल्यू पुट करिए, 9 तो 9/5/5 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू -40 डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस तो रखेंगे नहीं क्योंकि डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी है, +32 तो +32 काटते हैं, कितना होगा 8। इधर जरा चेक करो, 9 = 72, माइनस में वैल्यू है माइनस में आएगा, +32 तो +32 आया कितना 46 डिग्री फारेनहाइट। मतलब कि -40 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री फारेनहाइट ये दोनों आपस में केवल और केवल न्यूमेरिकल वैल्यू से बराबर होते हैं। 40 और 40 आपस में बराबर हैं, लेकिन यहां चेक करिएगा, अगर माइनस यहां है तो माइनस तो देना पड़ेगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों आपस में बराबर है, बसरते केवल मेजरमेंट जो है वो अलग अलग है, इधर डिग्री सेल्सियस इधर डिग्री फारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका 135 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हुआ। अब जरा चेक करिए, डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस +32। इतनी बार आप लिख लीजिए इसको कि याद हो जाए। अब देखिए 9/5 तो 9/5, डिग्री सेल्सियस का वैल्यू 135 डिग्री, तो 135 रख लीजिए, 32 तो 32 कटाइए, 5 × 2 = 10 और फिर 5 × 7 = 35। क्लियर। इधर 9 × 7 = 63 और 9 × 2 = 18 और फिर 6 कितना हो जाएगा 24, 243 +32 टोटल काउंट करेगा 3 × 5 = 7 और फिर कितना 2। मतलब कि 135 डिग्री सेल्सियस 275 डिग्री फारेनहाइट के बराबर होता है। क्लियर हुआ। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है 460 डिग्री सेल्सियस 460 डिग्री सेल्सियस
डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू, फिर क्या कहेंगे, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। 9/5 तो 9/5 डिग्री सेल्सियस 460 प्लस 32 कितना हो जाएगा, चेक करो भाई, इधर काटेंगे 5 8 40, एक मिनट 45 दुना 10 हो जाएगा, 5 2 10। अब जरा चेक करो, 18 81 82 32 टोटल 8 2 10 3 2 5 1 6 और फिर ये कितना हो गया 8, यानी कि 460 डिग्री सेल्सियस 860 डिग्री फारेनहाइट के बराबर होता है। इसी तरीके से 127 डिग्री सेल्सियस, अब इसका थोड़ा फैक्ट जान लो आप, 127 डिग्री सेल्सियस ये चांद का यानी मून का टेम्परेचर है। ये 127 डिग्री टेम्परेचर तब होता है जब सूरज यानी सन अपनी रोशनी अपनी टेम्परेचर मून को यानी चांद को देता है। तो दिन में टेम्परेचर उनका चांद का 127 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि रात में जब टेम्परेचर सूरज नहीं देता है तो उस कंडीशन में ये टेम्परेचर चांद का -173 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। इसीलिए चांद पर जीवन यापन कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दिन का टेम्परेचर 127 डिग्री और रात का -173, कैसे पॉसिबल है जीना, लोग या तो दिन में ही जल जाएंगे या रात को ही जम जाएंगे, है ना। चलिए 127 डिग्री सेल्सियस ये आपका चौथा क्वेश्चन है, 127 डिग्री सेल्सियस, फिर डायरेक्ट रख लेते हैं। अब डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू 127 प्लस 32 तो कितना होगा, इधर लफड़ा है ना, चेक करते हैं, 5 2 10 25 और फिर बच्चा कितना 2 तो 5 4 20 9 4 36 9 5 45 और 3 45 और 3 कितना 48 और 9 2 18 और 18 और 4 कितना 22। डेसिमल पॉइंट कितने अंक के बाद, एक अंक के बाद, तो टोटल हो जाएगा कितना 228.6 + 32। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 10 ये 6 और ये 2.6 डिग्री फारेनहाइट हो जाएगा। अगला है 173 - 173, अगला है -173 डिग्री सेल्सियस, तो फिर क्या करेंगे, फिर वही वैल्यू पुट करिए, आप अपने से इसको बना जाइएगा, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस तो -173 और फिर प्लस 32 9/5, 173 को काटना पड़ेगा, काटिए भाई, 5 3 15 बचा कितना 2 इधर 3 5 4 20 फिर बचा 3.5 6 30 गुणा करिए, तब गुणा करिए क्या होगा, 9 6 54 और फिर 9 4 36 और 5 36 और 5 41 कितना होगा 41 और 9 3 27 27 और 4 31 0.1 अंक के बाद प्लस 32 तो 32 ऐड करिए, 1 2 3 3 1 4 और 3 और पॉइंट कितना 4, ये आपका डिग्री फारेनहाइट में वैल्यू आ गया। तो फिर इनको लिखिए और फिर आप आगे बढ़िए, ये बात जरूर नोट करिएगा कि ये दिन का चंद्रमा का दिन का टेम्परेचर है, ये रात का टेम्परेचर है, क्लियर। चलिए लिख लीजिए फिर आगे की बात करते हैं। तो अब हम लोग डिग्री फारेनहाइट को केल्विन में चेंज करेंगे। पहला क्वेश्चन है 98.15 डिग्री फारेनहाइट, क्लियर।
हमको किस में चेंज करना है, केल्विन में। केल्विन का फॉर्मूला डिग्री फारेनहाइट के रिलेशन में क्या होता है, 5/9 इंटू डिग्री फारेनहाइट प्लस 241.15। ये केल्विन और डिग्री फारेनहाइट का रिलेशन है और ये फॉर्मूला है। क्लियर। अब हम लोग को क्या करना है, डिग्री फारेनहाइट का वैल्यू पुट करना है। कितना है भाई, 298। कितना है, 98.15 और फिर प्लस कितना है, 241.15। क्लियर। अब जरा देखिए, इसको इससे काटना है, बहुत लेंदी कैलकुलेशन है। क्लियर। तो आप कैलकुलेशन करिएगा और फिर यहां जितना आएगा उतना आप क्या करिएगा, केल्विन आप आंसर लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, 140 डिग्री फारेनहाइट, तो क्या करिए, केल्विन इज इक्वल टू, फिर लिखे 9/5 इंटू डिग्री फारेनहाइट, सॉरी 5/9, क्या होगा, 5/9 इंटू डिग्री फारेनहाइट और फिर क्या, प्लस 241.15। 5/9 डिग्री फारेनहाइट कितना है, 140 डिग्री, यानी 140, 241.15। कैलकुलेशन करिएगा, यहां पहले 9 से 140 को काटेगा, फिर जितना आएगा उतना आंसर लिख लीजिएगा। और ये दो क्वेश्चन आपके लिए मैं मतलब बिल्कुल ही छोड़ रहा हूं, ये तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हमने कर दिया, बिल्कुल ही छोड़ रहा हूं। कमेंट करके जरूर बताइए कितना इसका आंसर होगा। और अगर आप इस वीडियो से कुछ भी थोड़ा सा भी नॉलेज आपको लगा कि हाँ भाई नॉलेज मिला है, तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इसके बाद मेजरमेंट इन केमिस्ट्री स्टार्ट होगा, सिग्निफिकेंट डिजिट, रूल ऑफ राउंडिंग ऑफ, ये सब के सब टॉपिक स्टार्ट होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।